प्रयागराज में भव्य माघ मेला लगता है और इस साल 15 जनवरी से माघ मेले की शुरुआत हो रही है। इस दौरान संगम के तट पर कल्पवास और नदी में स्नान का महत्व होता है। प्रयागराज के इस माघ मेले में स्नान करने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। ऐसी मान्यता है कि प्रयागराज के संगम तट पर स्नान करने से लोगों के सभी पाप धुल जाते हैं और सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। प्रयागराज का त्रिवेणी संगम देश विदेश में विख्यात है। हिंदू धर्म ग्रंथ के मुताबिक जो भी त्रिवेणी संगम पर स्नान करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का संगम है। इसी संगम स्थल को त्रिवेणी कहा जाता है। ये स्थान बहुत ही पवित्र माना जाता है। हिंदू धर्म में माघ मेला का विशेष महत्व है। हर साल मकर संक्रांति के साथ इस मेले का आरंभ हो जाता है, जो महाशिवरात्रि के दिन स्नान करने के साथ समाप्त होता है। साल 2024 में माघ मेले के दौरान स्नान की तिथियां क्या हैं? आइए जानते हैं। माघ मेले का पहला स्नान मकर संक्रांति के दिन है, जो कि 15 जनवरी को है। दूसरा स्नान पौष पूर्णिमा पर 25 जनवरी को है, जबकि माघ मेले का तीसरा स्नान 9 फरवरी को मौनी अमावस्या पर है। चौथा स्नान बसंत पंचमी 14 फरवरी को है। पांचवा स्नान माघ पूर्णिमा 24 फरवरी को है और आखिरी स्नान 8 मार्च 2024 को महाशिवरात्रि के दिन है। अब आपको बताते हैं कि माघ मास में क्या करें और क्या ना करें। पूरे माघ माह में भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की विधि अनुसार पूजा करें, साथ ही विष्णु सहस्त्रनाम और मधुराष्टक का पाठ करें। इस माह में व्यक्ति को तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। संगम स्नान के बाद अक्षय वट का दर्शन जरूर करें। माघ मास में व्यक्ति को ब्रह्मचारी के नियमों का पालन करना चाहिए। इस दौरान आप तुलसी की पूजा करें और गीता का पाठ करें। कैसी लगी आपको हमारी जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज़ नेशन स्तुति।